भाई आज आपके लिए एक और नई वीडियो लेके हैं। इस वीडियो में आपको दिखाएंगे कि बर्ड्स को मौसम के लिहाज से सही रखने के लिए कौन सी मेडिसिन देनी चाहिए जिससे बर्ड जो है बीमारी से बच जाए। तो दोस्तों ये एक कालपोल का इंसानी दवाई का शरबत है। तो ये कालपोल 6+ सस्पेंशन है। ये बुखार और दर्द वगैरह के लिए बहुत ज़बरदस्त है। तो आज हम ये बर्ड को अपने देने लगे हैं। तो ये जैसा कि आप देख रहे हैं कि सर्दी का मौसम स्टार्ट हो चुका है और मौसम में कभी गर्मी और कभी ठंड, तो इससे बर्ड स्ट्रेस में आ जाता है, जिससे वो बुखार और जो है इकट्ठा होकर बैठने लग जाता है, जिसमें जो है उसका पता चलता है कि बर्ड बीमारी की तरफ आ रहा है। तो हम ये हफ्ते में 15 दिन में जो है एक दफ़ा डालते हैं ताकि बर्ड किसी किस्म के वायरस या बीमारी में ना आ सके। तो चलते हैं हम अपनी आगे वीडियो की तरफ। ये वो आपके सामने खोल कर डालेंगे तो देखें, फिर उसके बाद फिर इसको हम बर्ड को देंगे तो बर्ड इसको पिएंगे तो बर्ड एक्टिव और हेल्दी हो जाएंगे। ये देखें गाइस, अब ये एक चम्मच हम डालने लगे हैं भाई। ये छोटा चम्मच, एक चम्मच डालना है तकरीबन 1.5-2 लीटर पानी में। ये इस तरह इसको मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद अब हम बर्ड को सर्व करेंगे ताकि बीमारी से बच सके, क्योंकि मौसम है ठंडा मीठा हो रहा है, जिसकी वजह से बाढ़ एकदम स्ट्रेस में आ जाता है, इकट्ठा होकर बैठने लग जाता है, ये उससे बचाएगा। जिसके हम ले रहे हैं इसमें दर्द बुखार वगैरह जैसे कि हो जाता है बाढ़ को, जो उस बुखार को ख़त्म करेगा। ये देखें गाइस, ये बाढ़ जो है पानी पीने के लिए बेताब है। ये देखें माशाल्लाह से ये फुली एक्टिव और हेल्दी है। ये देखें ये पानी पीने के लिए जालियों पर आ रहे हैं, फटाफट हमें पानी डाल कर दे दें ताकि हम पी लें। ये शाम को हम निकाल लेते हैं पानी, ताकि ठंडा पानी जो है बर्ड ना पिए, जिससे बुखार और खांसी नज़ला वगैरह, जिससे बर्ड बीमार हो जाए। ये देखें गाइस, अब हमने पानी रख दिया, ये माशाल्लाह से बर्ड पीने के लिए आ गए हैं। ये देखें गाइस, तो देखते रहें हमारा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके आपने बताना है कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है। शुक्रिया।